आ चुकी है देवी की मूर्ति। रात में ना भूत पिशाच आते हैं, वो इस जो पूजा है ना इसको भंग कर देती है। ये अखंड दिया है और डे वन से लेकर डे फाइव तक ये बुझना नहीं चाहिए। दोस्तों ये है मंदिर, आज रात ना यहाँ पे मैं सोऊंगा, इस जगह पे आज की रात में यहाँ पे गुजारूंगा मंदिर। आज गांव में मेरा दूसरा दिन है, साथ ही साथ हमारी नंदा देवी का भी जो पाठ चल रहा है 5 दिन का, उसका भी आज दूसरा दिन है। अभी मैं जस्ट घर में हूँ, नहा धो के तैयार हुआ हूँ। आज अभी तक तो मेरा फास्ट है, देखो आगे पूरे दिन रख पाऊंगा या नहीं, कोशिश करूंगा पूरे दिन रखने की। अभी चलते हैं सीधे गांव, क्योंकि अभी जो है ना 11 बज चुके हैं और कल तो लेट पूजा शुरू हुई थी दिन वाली, क्योंकि कल पहले पूरा सेटअप करना था पूरे दिन भर का, लेकिन आज सब कुछ सेटअप था तो सुबह जल्दी पूजा हो गई थी। फिलहाल आज दूसरा दिन है और आज दूसरे दिन दिखाऊंगा क्या क्या यहाँ पे होता है। दोस्तों ये देखिए मैं निकल चुका हूँ अपने गाँव के लिए, और ये जो आप पीले पीले फूल देख रहे हैं ना, ये सरसों की खेती है देखिए, और यहाँ पे देखिए क्या मस्त धूप है सामने। देखिए दोस्तों आपको डीजे की आवाज आ रही होगी, तभी पूजा पाठ चल रहा है, और ऊपर देखिए पंचायती भवन में भी गांव वाले लगे हैं अपने काम पे। आज तो बहुत ज्यादा काम नहीं होगा, क्योंकि पहले दिन ही ज्यादा काम रहता है सेटअप वगैरह करने का। अभी मैं जस्ट मंदिर में गया तो वहाँ पे पंडित लोग बैठे थे, जो हमारे उपासक है दो, वो बैठे हुए थे, पूजा पाठ उनकी चल रही थी। मैं भी टीका लगा के भी ऊपर आ गया हूँ, बस यहाँ पे पंचायत भवन जहाँ पे खाना वगैरह बन रहा है तो मैं भी यहाँ पे हूँ। और आज दोस्तों तो सबसे मेन चीज होगी ना, जो हम हरिद्वार से नंदा देवी की मूर्ति लाए थे ना, उसके आज प्राण प्रतिष्ठा है। अभी दिन की पूजा हो चुकी है पूरी, और यहाँ पे देखिए जो हमारे गुरुजी लोग हैं, जो पंडित लोग हैं, उनके लिए देखिए लाइट लंच तैयार हो रहा है। उन सबका फास्ट होता है, उनको फास्ट में ड्राई फ्रूट और फ्रूट दिए जाते हैं। अंकल ये किस किस के लिए है? ये पंडितों का है जी। हाँ दोस्तों, ड्राई फ्रूट के बाद ना एक और चीज है जो फास्ट में खाई जाती है, इसके बारे में अंकल जी बताएंगे हमें। ये बना रहे हम, एक्चुअली ये कॉन्टिनेंटल डिश है और इसको बना रहे हम आज फास्ट के लिए। ये हमारे पंडितों के लिए है सिर्फ, और जो हमारे देवता के पास हैं उनके लिए है। चल जाता है फास्ट में आलू? आलू चल जाता है, इसमें सेंधा नमक यूज करेंगे हम थोड़ा। अभी तो दोस्तों जो गुरुजी है उनके मतलब जो लंच वगैरह होता है उनका फास्ट का, उसकी तैयारी चल रही है। बाकी तो आजकल ना 5 दिनों तक जो गांव के सारे लोग हैं ना, बच्चे से लेकर बूढ़े तक, मैक्सिमम लोगों को फास्ट रहता है। आज तो मेरा भी है, सुबह नहा भी लिया मस्त करके। दोस्तों ये देखिए मेरे दादाजी है, 90 साल के, इनकी फिटनेस देखिए आप, मस्त करके पहाड़ चढ़ते हैं। 10-15 किलोमीटर दूर कोई गाँव होगा ना, वहाँ भी पैदल चलते हैं लगभग 90 साल की उम्र में। आँखें मस्त है, थोड़ा सा काम कान में थोड़ा सा कम है, बाकी आँखें वगैरह सब बढ़िया है। और दादा की फिटनेस इतनी गजब की है, 90 साल की उम्र में ना दिन का खाना आज भी दादा बनाते हैं, गाय भैंसों को मतलब चारा वगैरह भी दे देते हैं। तो एक ब्लॉग में दादाजी पे बनाऊंगा किसी दिन, दादाजी की फिटनेस का क्या राज है आप सबको दिखाऊंगा। ये देखिए अभी भी सारा चेक करने आके क्या क्या काम कैसे चल रहा है। और ये देखिए यहाँ पे, ये नीचे हमारे गांव की रोड है, अभी भी बनी है। पहले तो वहाँ से ना उस गांव से पैदल आते थे बिल्कुल नीचे 2 किलोमीटर, फिर 2 किलोमीटर चढ़ाए। और ये जो आलू थे ना दोस्तों, इनमें देखिए जीरे का तड़का ही मार दिया घी के साथ। दोस्तों यहाँ पे ना एक डिश मुझे भी खाने को मिल गई, हम सबको दिखाता हूँ आपको। ये देखिए ये जो आलू थे ना, ये जो आलू थे जो बच गए थे थोड़ा सा, उसे पूरा मैश किया और फिर जीरा घी और दूध का तड़का मार के ना इस तरह से बनाया गया। क्या ये मैश पोटैटो? ये मैश पोटैटो है दोस्तों। ये जो थोड़ा सा आलू बच गए थे ना, ये उनका बना दिया। जो लोग यहाँ पे थे ना, जो लोग यहाँ पे काम कर रहे थे, मतलब जो जो मतलब यहाँ पे प्रेजेंट था उन सबको मिला। तो दोस्तों ये मैश पोटैटो का स्वाद तो काफी अच्छा है, बढ़िया था दादा को अच्छा लगा मैश पोटैटो, खाने में तो बढ़िया है, फास्ट में खा सकते हैं। तो अभी श्याम की पूजा शुरू होने वाली है, और मैंने आपको बताया था कि आज प्राण प्रतिष्ठा होगी नंदा देवी की। आज प्राण प्रतिष्ठा नहीं होगी, बल्कि आज ना देवी की मूर्ति जो है ना, वो अभी हम लोग लाए थे रूम में रखी हुई थी, वो आज मंदिर में ले जाएंगे। फिर 2-3 दिन तक उसका पूरा जब तक मतलब 3 दिन का पाठ बाकी है आज के बाद, तो 3 दिन तक उसकी पूजा होगी, मतलब आखिरी दिन जो है ना उसकी प्राण प्रतिष्ठा हो जाएगी। अब हमारी नंदा देवी जाने वाली है मंदिर में। ये देखिए जला दी है, दूध घी शहद, दूध घी शहद, इसमें बहुत सारी चीजें मिलाई गई थी, फिर मूर्ति को रखा है इसमें। अभी पूरी पैक हो चुकी है लाल कपड़े के अंदर, और अब मंदिर में जाएगी, उसके बाद पूजा पाठ होगी। दोस्तों आज जो हमारे ढोल डमू वाले थे ना, वो घर चले गए छुट्टी में, कुछ काम था, तो अभी गांव के लोग ही बजाएंगे, क्योंकि मूर्ति आ रही है तो ढोल डमू तो बजाने पड़ेंगे। ये आ चुकी है देवी की मूर्ति। यहाँ पे देखिए हमारे सारे गुरुजी बैठे हुए हैं। ये देखिए दोस्तों अभी देवी की मूर्ति फाइनली मंदिर में आ चुकी है, और अब 3 दिन तक इसकी पूजा होगी, और फिर आखिरी के दिन इसकी प्राण प्रतिष्ठा होगी मंदिर के अंदर, तब देवी विराजमान हो जाएंगी। तो दोस्तों आज थोड़ा सा ना मैं भी ट्राई करता हूँ, ये ढोल है इसे संदीप भाई बजाएंगे, डमरू है इसको मैं बजाऊंगा, क्योंकि आज हमारी छुट्टी पे है। चल भाई दोस्तों ये है गांव का बिल्कुल सेंटर पॉइंट, यहाँ पे खड़ा हूँ मैं, और इसके ऊपर देखिए कुछ घर है, ऊपर सबसे ऊपर पंचायती भवन है,
और फिर ये बिल्कुल सेंटर में हूँ और फिर ये दो चाय आखिरी घर है। दोस्तों अभी दिन की आरती हो चुकी है पूरी और अब ना पूरे गांव वाले जितने लोग आरती में थे वो सब एक एक परिक्रमा करेंगे। तो दोस्तों अभी दिन वाली पूजा हो चुकी है और आजकल तो घर में सभी लोग व्रत रख रहे हैं। अभी हम लोग थोड़ा दूर तक जाएंगे, वहाँ सामने ना वो देखो आप, ये देखो आप यहाँ पे, ये सामने यहाँ जाएंगे हम, ठीक वहाँ किनारे पे वहाँ जाएंगे हम लोग, थोड़ा फल फ्रूट ड्राई फ्रूट लाएंगे क्योंकि आजकल सबका फास्ट है तो दिन भर में थोड़ा सा कुछ तो चाहिए खाने के लिए। दोस्तों अभी हम लोग मार्केट में है जहाँ कुछ लेने आए थे और हमने ये लिया, देखिए केले ले आए, संतरा ले आए, एप्पल ले आए, बाकी यही मिला यहाँ पे। और बाकी दोस्तों ड्राई फ्रूट भी लेने थे लेकिन यहाँ पे तो बहुत महंगे क्योंकि ये गांव में है ना बहुत पीछे, तो लगभग 1300-1400 रुपये का जो बता रहे भैया, इतना महंगा थोड़ी है भैया। तो मैंने ड्राई फ्रूट कैंसिल कर दिया, पापा ने कहा था ड्राई फ्रूट भी लेके आना, ड्राई फ्रूट कैंसिल कर दिया क्योंकि बहुत महंगे थे, आउट ऑफ बजट, तब मैं फ्रूट्स लाए ओनली। सो ये सब फास्ट वालों के लिए जिनके फास्ट, क्योंकि आजकल मम्मी दादी पापा सबको फास्ट रहते, मैं तो बस आज है। सो गाइज अब बस सारा सामान ले लिया, ज़्यादा दूर नहीं था, ये 4-5-7 किलोमीटर लेकिन कच्चा रास्ता तो टाइम थोड़ा लगता है, अब सीधे घर जाएंगे। और ये देखिए हमारे गांव की रोड, ऐसे कच्ची रोड है हमारे गांव में अभी, ये रोड भी 2-2.5 साल पहले ही बनी है। बाकी आप लोकेशन देखिए यहाँ पे कितनी मस्त है, अगर ये जब इसमें डामरीकरण हो जाएगा तो कितनी कमाल की लगेगी देखो। हम लोग पहुँच चुके हैं गाँव में और ऊपर देखिए आवाज सुनिए आप, आज महिलाओं का कीर्तन हो रहा है वहाँ पे। आज तो फास्ट है और अब थोड़ा सा शरीर जवाब देने लग गया थोड़ा थोड़ा। दोस्तों आज पाठ का दूसरा दिन है और यहाँ पे देखिए महिलाएं अपना कीर्तन कर रही है, यहाँ पे भी सिर्फ महिलाएं हैं, पूरी महिला मंडल है, देखिए छोटे बच्चे डांस कर रहे हैं, कुछ यहाँ पे कीर्तन कर रहे हैं, जो सीनियर सिटीजन है वो सब चेयर पे बैठे हुए हैं। तो उस साइड से ना आपको एक व्यू देता हूँ, तो एक नज़र यहाँ पे देखिए आप, ये तो पानी गर्म हो रहा है, ये कहीं भी यूज हो सकता है, किसी को नहाना है, बर्तन धोना है या साग सब्जी के लिए भी यूज होता है। और यहाँ पे देखते हैं आज क्या क्या बन रहा है, क्या क्या बन रहा है अंकल जी, आज बन रही आलू जुगनी। जुगनी? हाँ। ये बन रहा है आलू जुगनी, ये देखिए आलू जुगनी है। अंकल जी एक दिन में ना पूरे गाँव के लिए कितने किलो दाल लगती है हमारे यहाँ? ज़्यादा नहीं लगती है, 4 किलो। देखो दोस्तों कितना छोटा गांव है हमारा, 4 किलो की दाल ना पूरा गांव एक बारी में खा जाता है। इसमें दाल है, ये यहाँ पे जुगनी है देखो, और ये हरी धनिया है। देखो अंकल जी देखो कुछ कह रहे, क्या बोला अंकल जी, क्या बोला? ये हमारे असल लाइट निकल रहा है, ये हमारे बिजली मैन है और ये कह रहे कि हमारे घर के जिनका मीटर चलता है ना बिजली से, वहाँ से कनेक्शन ले लिया, 7-8 बल्ब हमारे घर की लाइट में जल रहा है। तो दोस्तों ये देखिए कल की तरह यहाँ पे सारे गांव की फीमेल्स है वो सब यहाँ पे रोटी बना रही है और यहाँ पे ना सब्जी और दाल तो हम लोग बना चुके हैं। अभी सनसेट भी नहीं हुआ, देखिए अभी सूरज बच रहा है और लेकिन खाना पूरा बन चुका है क्योंकि ना ऑलमोस्ट सबके फास्ट है आजकल, इक्का दुक्का छोड़ के तो सबको भूख लग जाती थी जल्दी। अब जो है ना पूजा पाठ हो के ना फिर सीधे खाना करेंगे, ये तो सेम चलेगा 5 दिनों तक। तो खाना बनने के बाद ना यहाँ रखेंगे क्योंकि सब लोग आरती में जाएंगे ना, तो बाहर खुले में ना जानवर वगैरह आ जाते हैं, पर जंगली है, सारा खाना हम यहाँ रख देते हैं बनने के बाद। दोस्तों दूसरे दिन की पूजा जो रात में मेन पूजा होती है वो शुरू हो चुकी है। दोस्तों अब पूजा के बाद देखिए खाना तैयार हो रहा है, सबसे पहले पंडित जी पे जाते हैं, यहाँ पे दाल गर्म हो रही है, नमक थोड़ा सा कम लगा तो नमक भी डाल रहे हैं। तो आज की पूजा समाप्त हो चुकी है, बेसिकली जो कल हुआ था ना से मतलब देवता वगैरह आए थे, आरती वगैरह हुई थी, देवता आप स्क्रीन पे देखिए, आज भी बहुत सारे देवता आए, एक देवी ने तो पूरी मतलब एक दिया लिया और पूरा वो उन्होंने एक तरह से खा लिया है। तो ये देवता वाला कॉन्सेप्ट क्या होता है गढ़वाल में, ये जो गढ़वाली लोग हैं पहाड़ी लोग तो जानते होंगे, जो नॉन पहाड़ी है उनके लिए ना कल हम इस चीज़ को एक्सप्लेन करेंगे कि कैसे देवता आता है, कौन उपासक होता है, फिर वो क्या क्या बोलती है। जो देवी ने कल दिया खाया तो आप स्क्रीन पे देख रहे होंगे वो कौन सी देवी थी। तो ये देवता वाला ना पूरा कल्चर पूरा सिस्टम ना हम कल की वीडियो में बात करेंगे और बाकी उसके बाद ना देवता वगैरह आए फिर
जितना वही प्रसाद वितरण हुआ, टीके लगे, सब कुछ हुआ, उसके बाद पूरे गांव ने खाना खाया, तो वो सब मैंने कल दिखा दिया, तो विजुअल्स में देख लीजिए वो सब। तो दोस्तों आज ना जब 5 दिनों तक ना, 5वें दिन तो खैर दिन में खत्म हो जाएगा, बाकी 4 दिन तक ना, ये देखिए यहाँ पे हमारा मंदिर है और पूजा स्थल को ना कभी खाली नहीं छोड़ते, यहाँ पे कोई ना कोई रात में सोता है। एंड दोस्तों मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग, जो ये दिया है ना, ये अभी नंदा देवी के मंदिर है, ये अखंड दिया है और day 1 से लेकर day 5 तक ये बुझना नहीं चाहिए, तो इसलिए भी एक बंदे को यहाँ पे रात में सोना पड़ता है ताकि वो बार बार उसमें तेल डाल सके, दिए में तेल डाल सके। आज हम लोग यहाँ पे सोएंगे और मेरे साथ ये 3 सोएंगे, ये हमारी 3 बहनें हैं, ये भी यहाँ पे बैठ के ना अंताक्षरी खेल रही है, ये फिर अपने रूम में चले जाएंगे सोने, तो बाकी हम 3 और एक में 4 एक पीछे है, 5 जने यहाँ पे सोएंगे और इन सब का ना पूरी यहाँ पे रखवाली करनी होती है रात भर जग के। तो दोस्तों जो चूरमा प्रसाद होता है ना वो थोड़ा सा बच गया था, तो अभी ना ये सब लोग खा रहे हैं यहाँ पे मस्त करके। तो अब सुबह के 4 बज चुके हैं और अब हम जाएंगे ऊपर पंचायती घर में, जहाँ पे कि क्योंकि सारे पंडित लोग ना लगभग 5 बजे से स्नान करना शुरू कर देंगे, तो वहाँ पे आग जलानी है और फिर जो है पानी गर्म करना है पंडितों के लिए। वैसे 4 बजे ना जो ढोल डमो वाले हैं ना हमारे, वो हमेशा 4 बजे आते हैं ढोल बजाने, उसका कुछ नियम है, नाम मैं भूल रहा हूँ, 4 बजे हमेशा ढोल बजते हैं, आज पता नहीं वो लोग क्यों नहीं आए, अब तो नीचे रूम में तो है वो, लेकिन कोई बात नहीं हम जाके आग जला देते हैं। अब देखिए दोस्तों 4 बजे हम लोगों ने आग जला दी है, अब बस पंडित लोग नहाने लग जाएंगे। 4 बज रहे हैं और ठंड ना बहुत मस्त वाली हो रही है। अब ना ये आग जलाने के बाद ना अब हम लोग सो सकते हैं, तो पूरी रात जगे आज हम नंदा देवी के आंगन में। तो दोस्तों बहुत बहुत धन्यवाद आपको ये ब्लॉग देखने के लिए, दूसरे दिन की पूजा भी समाप्त हो गई और ये तीसरे दिन भी हमने आपको दिखा दिया, शुरू हो चुका है तीसरा दिन, सुबह 4 बजे आग जला के, बहुत बहुत धन्यवाद। अब आज दिन की बात अगले ब्लॉग में करेंगे।